आशीर्वाद दो माँ। माँ की तो हर सांस बेटे के लिए आशीर्वाद बनकर ही निकलती है। एक बात याद रखना, अपनी कामयाबी पर हमेशा नाज करना गुरूर नहीं, और अपने फर्ज को सबसे ऊंचा दर्जा देना हर रिश्ते से बढ़कर। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मनोज जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में आए थे जी। एक बैकग्राउंड था, पहला ही सवाल, इंडस्ट्री में आए थे माँ का नाम लेके या माँ का आशीर्वाद लेके? दोनों, आशीर्वाद के बगैर तो कुछ नहीं होता। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। दोस्तों, आज मैं आपको बात करने वाली हूँ अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में, जिनका नाम है नूतन। जीत जाएंगे हम, नूतन समर बहल। जी हाँ, नूतन, इनका जन्म शुम्न समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 को 4 जून को हुआ। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे। तुम्हारा शोभन समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया कि शोभन समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला संस्कृति के संस्कार धरोहरहीन में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शमी कपूर अनन्य फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा। इस फिल्म की नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी, उनके चेहरे पर कॉम्प्लीमेंट करती थी, यही उनकी खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई तक घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरुन कंपन उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सुखस्त हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। आप क्या समझते हैं? यही वजह है कि सन 1955 में अमियार चक्रवर्ती द्वारा नर्वत और निर्देशक फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। कहाँ जा रहा है तू जाने वाले। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस से उन्हें सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभीषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ।
और नूतन ने भी अपनी सशक्तता अदाकार से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। नूतन अपने अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को आकार करने में महारत रखती थी। विकी के जाने से पहले मैंने कहा था ना कि ये वहां कुछ नहीं कर पाएगा, वापस आएगा, बस यही बात उसके दिल को चुभ गई। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुत चर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विशेष भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी ये कुदर्शाने का महामिक चित्रण था। इस फिल्म में जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विशेष वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहलता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे अवरा ग्रीन अदाकार देवानंद। कुछ ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने ज़माने के ग्रेट शोमैन राज कपूर। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हीरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। 1958 में एक फिल्म आई थी सोनी की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा बनवाया। देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने। इसी दौरान यानी 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली। और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने। 60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म सिशंग हो या 1954 की फिल्म शबाग हो, 1956 की फिल्म बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली कठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दाव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो। पैंसठ की फिल्म रिश्ते नाते हो या 1968 की फिल्म सरस्वती चंद। जहां तक फिल्म फेयर चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था। फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के। 1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उन्हें सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल। अभिनेत्री नूतन के मुख्य की अभिनेत्री की यादगार है वो है 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर करम अपना करेंगे। 1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। दिल ने फिर याद
उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके सर्वास के पश्चात रिलीज हुई थी। उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारुख अदाकारा रही हैं। तनुजा इन्हीं की बेटी है। काजल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा है, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराह कराते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छवीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़कर परलोक सिधर हो गई। फूल तो मुरझा कर गिर जाएंगे, लेकिन इन सब को बांधने वाली डोर वैसी ही रहेगी। नूतन जी नमस्कार। नमस्ते नूतन जी, आज यहाँ लंदन में आपसे बातचीत करते हुए मेरी दृष्टि उन गुजरे वर्षों पर जाती है जब भारत में चोटी की फिल्मों में मैंने आपको नायिका के रूप में देखा। जी हम लोग, मेरा मतलब फिल्म हम लोग, जी सुजाता, बंदिनी, सीमा। मैंने दुनिया में अपने लिए कभी किसी को नहीं सोचा था। जो मेरा भगवान था वो मुझे मिल गया है। आप ही मेरे भगवान है। सोने की चिड़िया और अनाड़ी जैसी फिल्मों की नायिका नूतन आज मेरे सामने है। नूतन जी, आपके विचार में क्या ऐसी फिल्मों का जमाना चला गया? तुम भी मेरे मन, तुम भी मेरी पूजा, तुम भी देवता हो। क्या ग्लैमर की चकाचौंध में प्रतिभा का युग खो गया? जी नहीं, खो तो नहीं गया, लेकिन बाकी सब चीज़ों की तरह फिल्में बनाने का ढंग भी बदलता रहता है, तो ऐसी सब चीज़ों में ढंग बदलते रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहती कि ये ज़माना बिल्कुल गुजर गया है जहाँ संजीदा फिल्म नहीं बनती। जिन फिल्मों में मैं काम कर रही हूँ वो तो सभी बहुत सीरियस टाइप की फिल्में हैं। आप इन दिनों भी कुछ फिल्मों में काम कर रही हैं? जी हाँ, काफ़ी फिल्मों में काम कर रही हूँ। कुछ बताएंगी नाम? जी हाँ, मैं यहाँ लंदन आने से पहले मैंने 3-4 पिक्चरें ख़त्म की जो अभी अगस्त में रिलीज़ होंगी। एक तो है मिस्टर राज खोसला की मैं तुलसी तेरे आंगन की, दूसरी है मिस्टर बिमल दत्त की कस्तूरी, तीसरी है मिस्टर सावन कुमार डाक की साजन बिना सुहागन, चौथी है मंदिर मस्जिद। तो ये 4 फिल्में तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रिलीज़ होने को हैं। नूतन जी, ऐसा सुनने में आया कि बीच में आपने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। जी नहीं, बंद बिल्कुल नहीं किया था, सिर्फ ये था कि जो फिल्मों में मैं काम कर रही थी वो फिल्में कुछ लंबी खींच गई, उनके बिजनेस नहीं हो पाए थे वक्त पे, तो वो उनके रिलीज में कुछ देर हो गई थी। वैसे मैंने शूटिंग तो जारी रखी है। नूतन जी, आपने अभी बात की कि जमाना बदलता रहता है, फैशन सब कुछ बदलता है। जी अगर मैं उस जमाने की 4 नायिकाओं की बात करूं, नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, और आज की 4 लोकप्रिय कोई भी 4 हीरोइनों को लूं, हेमा मालिनी, जीनत अमान, रेखा या नीतू सिंह या कोई भी, तो क्या आज इनकी भूमिकाओं में वो उच्च स्तरीय अभिनय देखने को मिलता है जो उस वक्त मिलता था? देखिए, इस मामले में कंपैरिजन करना बहुत गलत होगा, क्योंकि आज जो फिल्में बनती हैं और जिन रोल्स में ये अभिनेत्रियाँ डाली जाती हैं वो रोल बिल्कुल अलग है। यानी इनके रोल जो इनको दिए जाते हैं वो रोल हम लोगों की नायिका को बिल्कुल दिए नहीं जाते थे। और मुझे लगता है कि आज अगर हमारी टाइप की पिक्चरें बनती, यानी जिस टाइप की पिक्चरों में हम काम करते थे, और उस टाइप की पिक्चरों में अगर आज की नायिका को डाला जाता
तो मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्टर भी उसी टाइप के होते जो उस तरह की भूमिका इन लोगों से भी निकाल सकते थे। आज इतने ग्लैमर के साथ वो आकर्षण नहीं रहा, बल्कि कई बार ये लगता है कि सिर्फ परिधान बदलकर इन हीरोइनों को फैशन की एक परेड सी बन गई है। और दूसरा, हमारी असल जिंदगी से इन फिल्मों का उतना ताल्लुक नहीं है जितना उन फिल्मों का था। वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल जो ये नई फिल्में जो बन रही हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, वो उसमें ग्लैमर ज्यादा है और स्टोरी कंटेंट कम है, ड्रामा कंटेंट कम है। जो पहले जमाने की फिल्मों में था उसमें स्टोरी और ड्रामा कंटेंट ज़्यादा था, उसमें नायक और नायिका को काम करने का मौका भी मिलता था, एक्टिंग करने का मौका मिलता था। और आजकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज़्यादा तो डिपेंड करते हैं और एम करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। कैसे यूं समझूं कि कलाकार जो हैं सिर्फ स्टार बन के रह गए हैं आज? हाँ, कुछ हद तक तो ये भी कहा जा सकता है। ऐसा जो कहने में आया है कि पहले एक जमाना था जब कहते थे कि किस डायरेक्टर की फिल्म आ रही है, बिमल रॉय की फिल्म आ रही है, महबूब की फिल्म आ रही है, वी शांताराम की, गुरुदत्त की जी। लेकिन अब वो चीज नहीं रही, डायरेक्टर के नाम से फिल्म नहीं आती, हीरो के नाम से फिल्म आती है या कभी हीरोइन के नाम से फिल्म आती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल वो जो संजीदापन है ना स्टोरी में या फिल्म बनाने का, वो नहीं रहा, इसका पूरा ढंग ही बदल गया है। क्या आप बताएंगी हमें, क्योंकि आजकल आप आजकल की फिल्मों में भी काम कर रही हैं, आपने उस जमाने की इतनी चोटी की फिल्मों में चोटी का अभिनय किया, क्या फर्क पाती हैं फिल्में बनाने के ढंग में, डायरेक्टर के साथ व्यवहार में, डायरेक्टर की कितनी चलती है, हीरो हीरोइन की, इसमें क्या फर्क थोड़ा बताएंगी? देखिए, जहाँ तक कि मेरा काम करने का ताल्लुक है, मैंने आज तक वैसी ही पिक्चरें और वैसे ही रोल्स चूज किए हैं जो मेरे काबिल हूँ, यानी कि जो मैं जिसको मैं निभाना चाहती हूँ। ये मैं नहीं कह सकती कि मुझे बाकी रोल्स ऑफर नहीं हुए जो बिल्कुल मामूली से जैसे थे, जिसमें यानी मेरे अलावा कोई और भी कर सकता था, लेकिन मैंने वो रोल्स चूज ही नहीं किए। इसलिए आजकल जो पिक्चरें मैंने की हैं, जैसे राज खोसला जी की है मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो पिक्चर भी उसी ढंग की कही जा सकती है जैसे सुजाता या बंदिनी थी। इतनी पिक्चरों में आज तक काम किया है मैंने, इन टाइप की बिल्कुल ही शेयर एंटरटेनमेंट पिक्चरों में काम नहीं किया। आपका कहने का अभिप्राय ये है, मैं समझूं, कि ये देखना कि उस रोल में आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा करना, तभी आप वो रोल करती हैं। जी हाँ। सिर्फ इसलिए कि कितनी फिल्मों में काम करती हैं वो पैमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। नूतन जी, इस बारे में कुछ और बात करने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा जी, कि फिल्म जगत में किस सन में आप आई, किस फिल्म में आपने पहली बार काम किया? मेरी पहली फिल्म थी हमारी बेटी, और उसकी शूटिंग शुरू हुई थी लेट 1949 अर्ली 50 में। अच्छा, तकरीबन लगभग 28 साल हो गए। लंबा अरसा है नूतन जी, लेकिन लगता नहीं आपको देखकर कि आप इतनी देर से फिल्मों में काम कर रही हैं। फिल्म जगत में आना महज इत्तेफाक था या शौक था? जी नहीं, ना इत्तेफाक था ना शौक था। मुझे लगता है एक, चूंकि मेरे माता पिता दोनों ही फिल्मों में थे, मेरे डायरेक्टर थे मेरे पिताजी और मेरी माताजी उस जमाने की फिल्म स्टार थी जी, तो एक नेचुरल चीज घर में वातावरण था। जी हाँ, बिल्कुल ही। बल्कि उस हालांकि जमाना वो था जब माँ बाप आमतौर पर आज से 25-30 साल पहले फिल्मों में जाने से रोकते थे, फिल्मों का जो स्कोप था बड़ा डिफरेंट था फिल्मों में जाने का। आज तो फिर भी लोग उनको अभिमान होता है, गर्व होता है कि उनके बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी आपके जो पेरेंट्स थे वो इतने आगे ख्यालात के थे कि उन्होंने आपको जाने। जी हाँ, बल्कि वो खुद फिल्मों में थे तो वो तो उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती थी उनको। नूतन जी, हमने आपकी बहुत सी फिल्में देखी हैं, आपकी चोटी के अभिनय को भी हमने देखा है, लेकिन आपका एक गीत हमने सुना था छबीली फिल्म का, ऐ मेरे हम सफर, बड़ा लोकप्रिय था। तो उस गीत से साधारण जनता ने ये जाना कि नूतन गाती भी हैं, लेकिन ये सब कुछ केवल उस गीत तक ही सीमित क्यों रह गया? देखिए, फिल्मों में, फिल्म बनाने में एक संगीत की दुनिया और होती है और अदाकारी की दुनिया और होती है, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक कामयाब अभिनेत्री रही थी उस वक्त भी, क्योंकि छबीली जब बनी थी उस वक्त मेरी सुजाता भी बन चुकी थी, मेरे दो ऑलरेडी अवार्ड्स मिले थे मुझे, तो उसके बाद मैं ये इंसिस्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं खुद ही अपने गाने गाऊंगी, क्योंकि उसमें एक डर था कि अगर मैं ये इंसिस्ट करती तो शायद मैं अच्छे अच्छे रोल्स गंवा देती।
यानी आप एक ही तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। जी हाँ। कि ये ना हो दो किश्तियों में प्यार रखने से आपको दूसरी तरफ भी नुकसान। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन गाने गाने का आपको शौक शुरू से था साथ ही? बिल्कुल शुरू से था, बल्कि मैंने बचपन से, जब मैं 2.5-3 साल की थी तब से मैंने क्लासिकल गाना सीखा। 14-15 साल मैंने गाना सीखा पंडित जगन्नाथ प्रसाद से। अच्छा। और वो तो मेरा रियाज जारी रहा, लेकिन मैंने उसको इतना कंटिन्यू नहीं किया, यानी फिल्मों में मैंने कंटिन्यू नहीं किया, इसीलिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये भी शुरू हुआ था इस तरह का कि मयूरी पिक्चर मेरी बन रही है, बल्कि अभी 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 ख़त्म भी हो गई, तो उसमें उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मिस्टर कनू रॉय, उन्होंने एक दिन मुझे मयूरी के सेट पे गुनगुनाते हुए सुना। अच्छा। वो आए हुए थे वहाँ, वो उस पिक्चर के म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, तो वो आए थे, उन्होंने मुझे गुनगुनाते हुए सुना। उसके जो मयूरी पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मिस्टर बीरेन भट्टाचार्य, वो भी वहाँ थे, उन्होंने भी सुना। मुझे मालूम नहीं था कि दोनों मेरा गाना सुन रहे थे, क्योंकि हम सब आर्टिस्ट इकट्ठे बैठे हुए कुछ गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने शायद हमारे आर्टिस्टों को पूछा कि भई नूतन जी कौन सा गाना गा रही थी, किसका लिखा हुआ है, तो सब आर्टिस्ट ने कहा इन दोनों को कि भई वो खुद गा रही थी और उसका अपना गाना लिखा हुआ है। आप ही ने लिखा था वो? जी हाँ। अच्छा। तो उसके बाद बीरेन जी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि देखिए नूतन जी इस पिक्चर में चार गाने हैं और वो चारों गाने आप खुद गाएंगी और आप लिखेंगी भी। अच्छा। तो मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ। यानी इस फिल्म में आपने जो चारों गीत गाए भी हैं और गीतकार भी उसके आप? जी हाँ, मैंने लिखे हैं। बड़ी खुशी की बात है। को किसी गीत को थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए गुनगुनाएंगी? उनके लिए तो पूरा गीत ही सुना दे। सुना दीजिए। नहीं ऐसा है, और एक बात और ये है कि ऐसे गाने का एक अलग आनंद भी है और सुनने का भी, क्योंकि जब आपके रिकॉर्ड मार्केट में आ गए हैं और भी आगे बजेंगे, लेकिन नूतन बिना ऑर्केस्ट्रा के गा रही है, इसका अपना लुत्फ है। अच्छा। ये कैसी है खामोशी, अजब ये सूनापन, दिल में है तन्हाई सी और भरा भरा सा मन। ये कैसी है खामोशी, अजब ये सूनापन। अच्छा नूतन जी, इन सब फिल्मों में आप नायिका की भूमिका कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर कभी ऐसा वक्त आए, अभी नहीं, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक नायिका की भूमिका करें और बिल्कुल ऐसी ही हमेशा सुंदर और युवा लगती रहे, फिर भी ऐसा वक्त कभी ना कभी, क्योंकि कुदरत है, आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी चरित्र की भूमिकाएं आपको मिलेंगी, तो आप करना पसंद करेंगी या उससे पीछे हटेंगी? नहीं, जरूर करना पसंद करूंगी, मगर उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि वो भूमिका, मतलब उसमें कुछ जोर होना चाहिए। सिर्फ माँ का रोल करना या सिर्फ भाभी का या दीदी का करना, ये मैं पसंद नहीं करती। अच्छा। क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज अ रोल, लेकिन उस रोल में कुछ दम हो, कुछ बात हो, कुछ स्टोरी में उसमें कुछ उस रोल के मुतालिक कुछ लेना देना ज्यादा हो, तो मैं जरूर करूंगी, उसमें कोई बात नहीं। मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि आपका इमेज? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कलाकार, आखिर मैं कलाकार हूँ, यही पर आ रहा था। आप एक कलाकार हैं और आपने इतनी इतनी बड़ी और अच्छी कला का प्रदर्शन किया है अपने समय में। आपको इतने अवार्ड मिले, बंदिनी फिल्म में आपको अवार्ड मिला, सीमा में अवार्ड मिला, मिलन फिल्म में मिला, और किस फिल्म में मिला? सुजाता फिल्म में, मुझे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सुजाता फिल्म तो बहुत बहुत ही मकबूल हुई थी। और सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया में तलत महमूद थे। जी हाँ। हीरो, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ। तलत महमूद भी और बलराज सहनी भी हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए नूतन जी, उस वक्त की फिल्मों में सबसे ज्यादा आपको किस निर्देशक ने प्रभावित किया? मैं इसलिए निर्देशक कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से उस वक्त निर्देशक प्रधान था। जी हाँ बिल्कुल। उस वक्त देखिए बिमल रॉय जी के साथ मुझे काम करते हुए बहुत ही लुत्फ आता था। ठीक। उनके साथ मैंने दो पिक्चरें बनाई, सुजाता और बंदिनी, और उससे पहले मैंने बनाई थी अमिया चक्रवर्ती जी के साथ सीमा। जी। वो बेचारे गुजर गए, उसके हाँ। बाद तो उनके साथ काम करने का मौका ही नहीं हुआ, लेकिन ये दो डायरेक्टर्स तो बहुत ही मेरे मनपसंद थे। अच्छा जी। और कलाकारों में, अभिनेताओं में, हीरो हीरोइन? कलाकारों में एक तो बलराज जी थे जी, और दूसरे अशोक कुमार जी, जो आज भी उनके साथ काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, और आज की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें आप क्या कहेंगी, आपके फेवरेट लोग कौन हैं, जिनको आप समझती हैं कि अच्छे कलाकार हैं?
अगर मैं उनका नाम लू ना तो मैं झगड़ा हो जाएगा। जी नहीं, झगड़ा नहीं होगा तो मैं भी फैन ही समझूंगा। अच्छा आप तो डिप्लोमेसी से काम ले रही हैं। नहीं नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठीक साफ साफ कहूंगी। एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए हीरो भी मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है। अमिताभ बच्चन आपको बहुत अच्छे लगते हैं? जी हाँ। ये बताइए कि किस हीरो के साथ, जब आपने कितनी फिल्मों में काम किया, कहाँ सबसे अच्छा लगा, किसके साथ काम करना? एज अ को आर्टिस्ट मुझे, मैंने पहले ही बताया, अशोक कुमार जी और राज कपूर जी। राज कपूर जी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही नॉलेज है। बिल्कुल। और एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं, उनको एक मूड का हिसाब आता है, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। अच्छा नूतन जी, मुझे ये बताइए कि आजकल की फिल्मों जब बनती हैं तो सुना जाता है, खासकर भाई मैगजीनों में हम पढ़ते हैं, कि हीरो और हीरोइन के नखरे बहुत होते हैं, वो सेट पे पहुंचते ही नहीं टाइम पे, कुछ नहीं। यहाँ जब पश्चिम में फिल्में बनती हैं, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, हर एक को अपने समय का, हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है, उतने बजे पहुंचना पड़ता है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है, देखिए कि हिंदुस्तान में हीरो हीरोइन के नखरे नहीं होते, वो फिल्में बहुत ज्यादा लेते हैं अपने हाथ में। नूतन जी, तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? जी नहीं, मैं इतनी पिक्चरें नहीं लेती, और मैंने कभी भी पूरे मेरे करियर में 5 या 6 से ज्यादा पिक्चरें इकट्ठे कभी नहीं ली। मुझे अपने हॉलीडेज भी मिल जाते हैं और अपने परिवार के साथ भी। अच्छा नूतन जी, आपने अभी बात की कि किन किन लोगों के साथ आपने काम किया, क्या आप समझती हैं कि किसी नायक के साथ आपकी इच्छा थी कि उसके साथ भी काम करूं लेकिन कर नहीं पाई हूं? जी नहीं, मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन नायकों के साथ मैंने काम किया, जैसे मैंने पहले कहा अशोक कुमार जी, राज कपूर जी, दिलीप कुमार जी के साथ तो एक पिक्चर बनते बनते रुक गई, बहुत पुराने। मैं यहीं पर आ रहा था। अच्छा अच्छा कि कोई जमाना था दिलीप साहब टॉप पर थे। जी हाँ बिल्कुल। उनके साथ आपकी कभी कोई फिल्म नहीं आई? आई तो नहीं, लेकिन हमने एक फिल्म इकट्ठे बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली बनी नहीं और रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था शिकवा। अच्छा। बहुत पहले बनी थी 1951-52 में, लेकिन कुछ अपने यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ और कारणों से फिल्म नहीं बन पाई, तो उनके साथ आपने काम नहीं किया। और नूतन जी ये बताइए कि फिल्मों में जब आप काम करती हैं, रोल करती हैं, हमारे यहाँ कई बार हुआ कि कुछ हीरो और हीरोइन उनका ऐसा हो गया कि वही लगातार चले आ रहे, जैसे आज का धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, इस जमाने में दिलीप कुमार नरगिस जी, या दिलीप कुमार और मधुबाला, इस तरह से। क्या आपका नाम भी जुड़ा है ऐसे किसी हीरो के साथ? जी हाँ, 2-3 बार देखिए ना, जैसे देव साहब, देवानंद जी, और मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी और लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपने पिक्चरों में हम दोनों को ही लिया था, तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल वगैरह। उसके बाद राज जी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, मुझे तो अब याद भी नहीं आ रही है इतनी सारी बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है, जैसे एक पेयर क्लिक कर जाता है तो सभी लोग वैसे ही उनको लेना चाहते हैं। जी हाँ। नूतन जी ये बताइए कि फिल्मों में जब आप भूमिका करती हैं, आपकी इतनी संजीदा और गंभीर फिल्में देखने को मिली, गंभीर स्टोरी थी, कहानी थी, ऐसा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कुदरती है सब कुछ, सचमुच सब घट रहा है। अच्छा, क्या कभी आप सचमुच में कहानी में खो गई जिंदगी में? देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ, जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ, और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ, जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है, और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है। मेरी सेट से बाहर आने के बाद आप वो नहीं है? बिल्कुल नहीं, यानी सेट से बाहर क्यों, कैमरा बंद होने के बाद मैं बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं खुद हो जाती हूँ। लेकिन ऐसा कभी होता है कि अगर आप लगातार कुछ खास लोगों के साथ आए या ऐसे सीन करें तो क्या सचमुच वैसी फीलिंग हो जाती है? आप मेरा सवाल समझ रही हैं? जी हाँ, नहीं मैं समझ गई, लेकिन क्या है कि हम जब काम करते हैं तो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ चीज हो जाती है, मैकेनिकल मैकेनिकल टू एन एक्सटेंट, यस, लेकिन उस वक्त के लिए हम डायलॉग याद करते हैं, जो कहना है हमको बोलना है वो याद कर लेते हैं, और उस वक्त के लिए वो हम एक्टिंग करते हैं,
उसके बाद जो भी हमारे पर्सनल रिश्ते नाते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाते जो हमेशा थे पहले की तरह। अच्छा नूतन जी, ये बताइए कि अगर आप अपने आप को आईने में रखें जी, आपको बहुत से अवार्ड मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी नजर में आपकी सबसे अच्छी फिल्म या आपका रोल किस फिल्म में सबसे अच्छा? देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। जी हाँ, क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था और बहुत मुश्किल था। जी हाँ, और अलग अलग उसमें सारे यानी कि अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी। क्या ऐसे रोल लेने में खतरा भी था कि इमेज थोड़ा ऐसा हो जाता है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है जितना चैलेंजिंग रोल हो उतना ज्यादा अच्छा है एक आर्टिस्ट के लिए, अगर वो आर्टिस्ट ठीक तरह से उसको निभा सके। तो बंदिनी फिल्म आप समझती हैं कि उसमें आपका रोल सबसे अच्छा था। अच्छा नूतन जी, आप ये फिल्मी और इन बातों से थोड़ा अलग ये बताइए कि जिंदगी में आपके शौक क्या है, इस काम अपने इन काम के बाद आप क्या करना पसंद करती हैं ज्यादा? देखिए, इन कामों की वजह से मुझे वैसे दूसरा कोई काम करने को वक्त ही नहीं मिलता, टू टेल यू द ट्रूथ। वैसे घर बार है, सब लोग परिवार हैं, सब बहुत खुश हैं, तो उसमें ही काफ़ी यानी कि मैंने कहा जैसे मैं हॉलीडेज लेती हूँ तो अपने परिवार के साथ काफ़ी दिन गुजार सकती हूँ। कुछ फिल्मों में काम करने के बोझे से परिवार की देखभाल में कभी मुश्किल नहीं आती? आती तो है, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी बहुत साथ है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो जानते हैं कि भाई ये बहुत बिजी हैं तो वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते। अच्छा नूतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दौरा कामयाब हो और वापस जाकर आपकी फिल्में सफल हों और